भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 68 रनों से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। धमाकेदार एंट्री फाइनल में ले ली है टीम इंडिया ने। टीम इंडिया ने सेमीफाइनल मैच में कमाल का प्रदर्शन किया। भारतीय टीम ने तीसरी बार फाइनल में अपनी जगह बनाई है। T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में भारतीय टीम का सामना अब साउथ अफ्रीका से ब्रिजटाउन बारबाडोस के मैदान पर होगा। दोनों ही टीमों ने अभी तक टूर्नामेंट में दमदार प्रदर्शन किया है और एक भी मैच दोनों टीमों ने नहीं गंवाया है, यानी कि फाइनल में फाइनली कोई एक टीम होगी जो मुकाबला हार जाएगी। लेकिन अब फाइनल मैच में बारिश का खतरा मंडरा रहा है। वेस्टइंडीज और यूएसए में हुए इस वर्ल्ड कप में बारिश का रोल बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट रहा है, और ऐसे में फाइनल को लेकर क्या कुछ संभावनाएं हैं, इस वीडियो में बारिश को लेकर हम इसी पर बातचीत करेंगे। बारिश कर सकती है मजा किरकिरा। जी हाँ, एक्यूवेदर की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिजटाउन बारबाडोस में 29 जून के दिन बारिश की संभावना 78% बताई जा रही है। साथ ही में तेज हवाएं भी चल सकती हैं और बादल घिरे रहने की पूरी उम्मीद है। वहीं रात में बारिश की संभावना 87% यानी कि और बढ़ जाती है। फाइनल के लिए 30 जून एक रिजर्व डे रखा गया है, लेकिन इस दिन भी बारिश का खतरा नहीं टल रहा है। बारिश क्रिकेट फैंस का मजा किरकिरा कर सकती है, इसीलिए ये बात हम बोल रहे हैं। 30 जून को बारिश की संभावना 61% है और रात में 49% तक पहुंच जाती है। ऐसे में रिजर्व डे पर भी मैच होने की उम्मीद कम ही दिखाई दे रही है। आईसीसी ने भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले फाइनल मैच के लिए 30 जून का रिजर्व डे जो रखा है, पहले तो 29 जून को मैच कराने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। अगर किसी तरह मुकाबला नहीं होता है तो फिर रिजर्व डे पर मैच जाएगा। हालांकि रिजर्व डे के साथ टीम इंडिया का इतिहास आईसीसी के नॉकआउट इवेंट्स में कुछ खास अच्छा नहीं रहा है, और टीम इंडिया और इंडियन क्रिकेट फैंस यही कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि रिजर्व डे पर मुकाबला ना ही जाए तो बेहतर है। रिजर्व डे पर मैच वहीं से शुरू होगा जहां 29 जून को रोका गया था। अगर रिजर्व डे पर भी मैच बारिश या किसी अन्य कारण से नहीं हो पाता है तो फिर दोनों टीमों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि एक टूर्नामेंट के दो दो विनर्स। बिल्कुल, रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने मौजूदा T20 वर्ल्ड कप में कमाल का प्रदर्शन किया है। टीम इंडिया ने इस वर्ल्ड कप में लगातार 7 मैचेस जीते हैं। इसके पहले किसी भी एक T20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में टीम इंडिया ने इतने मैचेस लगातार नहीं जीते हैं। भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2007 और 14 के फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2007 के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता था, तो वहीं 2014 के वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने फाइनल में टीम इंडिया को हरा दिया था और उसका दूसरी बार खिताब जीतने का सपना टूट गया था। अब 2024 में एक बार फिर से टीम इंडिया फाइनल में है। सामने है साउथ अफ्रीका। देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार टीम इंडिया सिल्वर ट्रॉफी को उठाती है एक साथ में। क्या विराट कोहली, रोहित शर्मा जो 15 साल से साथ में क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या ये दोनों खिलाड़ी एक साथ सिल्वर ट्रॉफी को उठाते नजर आएंगे, देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इन सब के बीच में बारिश से क्या समीकरण बनते हैं, क्या संभावनाएं बनती हैं, इस पर भी लगातार नजरें बनी रहेंगी। बहरहाल, इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी स्पोर्ट्स की दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स 9। नमस्कार।